जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू सपोर्ट आईएएस। जब भी ब्लड डोनेशन की बात होती है या रक्तदान की बात होती है, यानी ब्लड चढ़ाने की बात होती है किसी को, तो हमेशा ये आता है कि डोनर का ब्लड ग्रुप जो रिसिपिएंट है, जो ग्राही है, उसके समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि ब्लड ग्रुप क्यों सेम होना चाहिए, क्यों समान होना चाहिए, और अगर समान नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इसको इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो ब्लड में आरबीसी होता है उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। एंटीजन को याद रखिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। इसी तरह तो प्लाज्मा है उसमें दो तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है। इन एंटीबॉडी को भी ए और बी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। अब एंटीजन के आधार पे मनुष्य के शरीर में ब्लड में जो एंटीजन है उसके आधार पे यह इसको ब्लड ग्रुप को चार समूह में, चार ग्रुप में बांटा गया है। आप इन चारों ग्रुप को इस टेबल में देख सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इन चारों के दो दो सब ग्रुप होते हैं। ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये सब ग्रुप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। आपको फिर से रिमाइंड करा दें कि ब्लड में एक और एंटीजन पाया जाता है तो सबसे पहले रीसस नामक बंदर में पाया गया था, इसलिए इस एंटीजन को आरएच से डिनोट किया जाता है, आरएच फैक्टर। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में यह आरएच फैक्टर या यह एंटीजन आरएच एंटीजन रहता है उसे पॉजिटिव कहा जाता है, अगर यह एंटीजन नहीं है तो आरएच निगेटिव हो जाएगा। तो इस आरएच फैक्टर के आधार पर ब्लड पॉजिटिव या निगेटिव होता है। ब्लड ग्रुप ए का सब ग्रुप है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इसमें ए एंटीजन पाया जाता है और बी एंटीबॉडी। ए ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ दोनों तरह के लोग डोनेट कर सकते हैं। बी के लिए, ब्लड ग्रुप बी के लिए बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव दो सब ग्रुप हैं, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, डोनर ग्रुप हो जाएगा बी और ओ। ए बी के लिए ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, एंटीजन ए बी, ए बी ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है और इसके लिए डोनर ग्रुप सारे हैं ए बी ए बी ओ चारों। ओ ब्लड ग्रुप के लिए सब ग्रुप ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव और एंटीजन इसमें नहीं होता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में एंटीजन नहीं होता है। इसमें एंटीबॉडी ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं और इसके लिए डोनर ग्रुप केवल ओ ही होगा। इसमें भी ध्यान रखना है कि ए प्लस वाले को ए प्लस ही दिया जाएगा, ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव ही दिया जाएगा, ए निगेटिव वाले को ए निगेटिव ही ब्लड दिया जा सकता है आरएच फैक्टर के आधार पर। अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों मिल जाए तो रक्त थक्का जमका जाएगा। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए में है, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी में है, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो ये दोनों एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों मिलकर रक्त को जमा देंगे, ब्लड को थक्का जमा देंगे। और अगर एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी दोनों मिल जाए तो भी ब्लड थक्का जम जाएगा, रक्त थक्का जम जाएगा। इसलिए रक्तदान में दाता के रक्त में ऐसे एंटीजन नहीं होने चाहिए जो ग्राही के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से मिलकर थक्का बना ले। तो ध्यान रखा जाता है अगर सेम ब्लड ग्रुप होगा तो यह स्थिति नहीं आएगी कि थक्का जमे। साथ ही आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव रक्त भी अगर दोनों मिल जाए तो ये दोनों संश्लेषित होकर नष्ट हो जाते हैं। तो जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है, डोनेट किया जाता है, रक्तदान किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन, तो इस कारण से रक्तदाता और रक्तग्राही का ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर समान होना चाहिए, यह ध्यान में रखा जाता है। रक्त समूह ओ है उसको सार्वभौमिक दाता कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इस यह ब्लड ग्रुप किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ाया जा सकता है,
इसके साथ ही जो रक्त समूह ए बी है इसको सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं या यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ये चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेशन में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्तदान में ब्लड ग्रुप डोनर का और रिसिपिएंट का समान क्यों होना चाहिए, और अगर समान नहीं हो तो इससे क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।